Even that A dot B zero है और A cross B zero vector देख रहे हो sir? क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिसमें A dot B zero है, A dot B zero है और इनका cross product B zero है और zero vector हो रहा हो क्योंकि वो vector है उसका result zero आए तो भी zero vector होगा तो ये कह रहा है अगर A dot B zero है और A cross B भी zero vector है तो what can you conclude about the vectors A and B? अब कल भी एक इस तरह क्वेश्चन आया था आप A और B के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे तो देखो अगर A dot B zero है इसका ये मतलब हुआ कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे ठीक है और A cross B zero है इसमें वो दोनों पैरेलल होंगे दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है क्यों क्योंकि डॉट में फॉर्मूला आता है कॉस थीटा तो कॉस 90 जीरो और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूले में आता है साइन थीटा तो अगर पैरेलल होंगे ऐसे वाले पैरेलल होंगे चाहे ऐसे वाले पैरेलल होंगे ऐसे बैक टू बैक भी पैरेलल ही बोले जाते हैं तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच एंगल क्या है जीरो इस सिचुएशन में भी एंगल क्या है जीरो इंक्लाइंड होगा तभी तो कोई एंगल बनेगा ऐसे पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है जीरो और ऐसे है तो भी जीरो तो अगर जीरो है दो वेक्टर पैरेलल है ऐसे वाले चाहे वो ऐसे वाले तो उनके बीच में एंगल जीरो होता है और जीरो का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आएगा तो वो ये कह रहा है अगर एक कोई दो वेक्टर है और बी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है तो आप ए और बी के बारे में क्या बताएंगे पहले तो डॉट प्रोडक्ट से ये इम्प्लाई हो रहा है कि ए और बी परपेंडिकुलर है क्रॉस से वही तो मैं बता तो रहा हूँ क्रॉस में पता चलता है कि दोनों पैरेलल है अब दो कोई दो वेक्टर ये दोनों बातों सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते ए और बी वो वेक्टर है ये रिजल्ट कह रहा है परपेंडिकुलर है ये वेक्टर ये रिजल्ट कह रहा है पैरेलल है तो कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं इसका मतलब ना तो वो दोनों परपेंडिकुलर ना तो पैरेलल है इस कुछ और बात होगी जिसकी वजह से दोनों का रिजल्ट जीरो आ रहा है वो बात ये है या ए या बी में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो या दोनों भी हो दोनों भी हो सकते हैं तो आइदर ए और बी और बोथ क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं हुआ तो ये दोनों रिजल्ट ट्रू नहीं होगी दोनों में से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा कम से कम किसी एक को और दोनों भी हो सकते हैं तभी ये चीज दोनों रिजल्ट जीरो आएंगे क्लियर हो रहा है क्योंकि इधर ये इम्प्लाई कर रहा है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी और ये इम्प्लाई कर रहा है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी बट दिस इज नॉट ट्रू ये हो ही नहीं सकता कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो इसका मतलब दूसरी बात यह है इन दोनों में रिजल्ट तब भी जीरो आ सकता है सो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज ऑल्सो जीरो इंप्लाइज दैट आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी विल बी जीरो और Both A and B zero vector yeah zero vector I guess.